हमारे आदमी आप गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान नवरात्रि में कर रहे हैं या अन्य समय पर कर रहे हैं, या आप गायत्री की साधना कर रहे हैं, या आप किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, लेकिन जब हम साधना करते हैं तो हमारे साधना करते समय हमारा अहंकार, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, ईर्ष्या, ये सब आड़े आती हैं। हमारा मन मस्तिष्क उस समय बहुत कमजोर होता है। इस मस्तिष्क को किस प्रकार सशक्त बनाया जाए, अहंकार क्यों आता है मनुष्य को, दुखों से मनुष्य क्यों घिरा रहता है, उसका कारण क्या है, क्यों साधना हम बार बार करते हैं लेकिन फलित नहीं होती है, इन सब चीजों की जानकारी एक सूत्र के माध्यम से इस वीडियो में हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप उस सूत्र को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से नवरात्रि में की हुई गायत्री की साधना या अन्य समय पर आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपका मन मस्तिष्क प्रगाढ़ होगा और इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गायत्री मंत्र ही समस्त ब्रह्मांड में एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति को उसके अहंकार से मुक्त कराता है, जो व्यक्ति के लिए मोक्ष प्रदान करता है, जो व्यक्ति को बताता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप जिन दुखों को पकड़े हुए हो क्या वो दुख सही में है आपके जीवन में या सिर्फ आप उनको पकड़े हुए हैं, इन सब भ्रांतियों से दूर कराने का काम करता है गायत्री मंत्र। कैसे करता है चलिए जानते हैं। हमारे आदमी ओम श्री गुरु शक्ताय नमः गायत्री मंत्र काटता है, कई धर्म गुरुओं के पास जाता है, तीर्थ यात्राएं करता है, मंदिर जाता है, लेकिन फिर भी वो उनसे मुक्त क्यों नहीं हो पाता है। इस सूत्र को यदि आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप जब गायत्री की साधना कर रहे होंगे और इन सूत्र को यदि आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। अहंकार आपने स्वयं पकड़ के रखा है, अहंकार को आपने नहीं पकड़ा है, दुखों को आपने पकड़ के रखा है, दुखों ने आपको पकड़ करके नहीं रखा है। संसार में किसी को भी इतनी चिंता नहीं है, संसार को आपकी इतनी चिंता नहीं, ईश्वर को इतनी चिंता नहीं है कि वो आपको दुख दे। ईश्वर
परमानंद है। ईश्वर हमेशा हर चीज को हर जगह खुशियां ही खुशियां बांटता है, लेकिन हम स्वयं दुखों को पकड़ते चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद सारे दुनिया के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब हमारे ऊपर आ गए हैं। लेकिन यदि आप सही तरीके से गायत्री की साधना करेंगे तो गायत्री मंत्र में ही एक ऐसी शक्ति है कि वो आपको इन सब भव बंधन से मुक्त कराता है। हमारी उस सोच को उससे हमें मुक्त कराता है जो हमने सोच रखा है कि दुनिया ने हमें बहुत सारे दुख दिए हैं, लोगों ने हमें बहुत सारे दुख दिए हैं, इसका कारण क्या है। अहंकार जब व्यक्ति को आता है, अहंकार को जब वो पकड़ लेता है तो उसी के चलते उसको सारे दुख आते जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, उसके अहंकार को चोट पहुंचती है और वो दुख को पकड़ लेता है। किसी ने तारीफ कर दी तो वो अहंकार से भर जाता है। किसी ने बुराई कर दी तो उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। किसी को कुछ नहीं पड़ा है लेकिन हम उन चीजों को पकड़ते भी चले जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। हम समझते हैं कि सारी दुनिया हमारे ही इर्द गिर्द चल रही है। आपने तोते को देखा होगा, जब तोते को पकड़ते तो एक रस्सी बांध देते हैं पतली, जैसे वो रस्सी पर बैठता है वो पलट जाता है और वो भयभीत हो जाता है और वो सोचता है कि शायद मैं पकड़ा गया, रस्सी ने मुझे पकड़ लिया है। रस्सी ने उसको नहीं पकड़ा, बल्कि वह रस्सी को पकड़े हुए है, लेकिन वो उससे मुक्त नहीं हो पाता है। सीधे होने की कोशिश करता है लेकिन सीधा नहीं हो पाता है, उड़ने की कोशिश करता लेकिन उड़ नहीं पाता है। उसके विचारों ने उसको इस प्रकार से उलझा दिया है कि वो सोचता है कि रस्सी ने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन जिस क्षण वो रस्सी को छोड़ देगा वो उससे मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो रस्सी को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने सीधे बैठ करके दो पैरों पर बैठ करके उड़ना सीखा है, उल्टा लटक करके उसने उड़ना नहीं सीखा है। यही सब मनुष्य जाति का कारण है। हम सब उन रस्सियों से लटके हुए हैं, कोई काम की रस्सी से लटका है, कोई क्रोध की रस्सी से लटका है, कोई मोह की रस्सी से लटका है, कोई ईर्ष्या की उससे लटका है। हम उन रस्सियों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि संसार में दुख ही दुख है। ना ईश्वर आपको पैदा करता है, आप अपनी मर्जी से आते हैं, आप अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। आप चाहें तो खुश हो सकते, आप चाहें तो दुखी हो सकते, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन व्यक्ति दुखों को पकड़ते हुए चला जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है और सारे लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, यदि मैं नहीं होऊंगा तो शायद दुनिया ही नहीं चलेगी। आप नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, आप हैं तब भी दुनिया चलेगी, आप जब नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। लेकिन हमारे अंदर इस अहंकार का भ्रम है और उसी अहंकार के चलते हमने अनेक दुखों को पाल रखा है और उन दुखों से हम स्वयं मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उन दुखों से मुक्त कराने का काम गायत्री मंत्र करता है। गायत्री मंत्र आपको प्रेरणा देता है कि आप ने दुखों को पकड़ रखा है, दुखों ने आपको नहीं पकड़ा है, इसका कारण क्या है। व्यक्ति ने अपने आप को समाज का, राष्ट्र का व इस संसार का सबसे मुख्य केंद्र क्यों मान रखा है। मनुष्य का ही एक ऐसा प्राणी है जो जन्म लेने के पश्चात में उसे कोई बोध नहीं होता है। पशु पक्षियों के आपने
बच्चों को देखा पैदा होते ही सांस चलने लगते हैं, खाना खाने लगते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो यदि जब पैदा होता है तो उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता है, वह माता पिता के ऊपर आश्रित रहता है। यदि माता पिता उसका भरण पोषण ना करें, उसकी देखभाल नहीं करें, तो वो कुछ ही समय के पश्चात मर जाएगा। उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना स्वयं का भोजन निर्मित करने के लिए 25 साल लग जाते हैं। तो उसके कुछ दुख परिणाम भी हुए और कुछ अच्छे परिणाम भी हुए। दुख के परिणाम यह हुए कि मनुष्य की जो प्रजाति है वह माता पिता के ऊपर आश्रित हो गई। लेकिन सुखद बात यह है कि यदि बच्चा माता पिता के ऊपर आश्रित नहीं होता, पशु पक्षियों जैसा पैदा होता और चलने लगता, तो फिर परिवार की आवश्यकता नहीं होती, माता पिता भाई बहन की आवश्यकता नहीं होती। पशु पक्षियों में परिवार की आवश्यकता नहीं होती है, समाज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चूंकि बच्चे को अटेंशन चाहिए, उसके लिए माता पिता की आवश्यकता है, उसको भाई बहन की आवश्यकता है, और उन्हीं से जो है परिवार निर्मित होता है, परिवार से फिर समाज निर्मित होता है, समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से यह संसार निर्मित होता है। तो जैसी जैसी बच्चा बड़ा होते जाता है उसको संस्कारों की जरूरत होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार बताए हुए हैं, पुंसवन संस्कार से लेकर के मानवता संस्कार तक। इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर चेतना आती है और फिर व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त करने के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ये सब खुले। यदि मनुष्य पैदा होते ही साथ चलने फिरने लगता तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये लाभ हुआ कि मनुष्य के अंदर बुद्धि ज्यादा विकसित हुई, पशु पक्षियों से ज्यादा व्यक्ति के अंदर ज्ञान आया। लेकिन इसके पश्चात भी व्यक्ति जो है अहंकार से ग्रसित हो गया कि मेरे पास बुद्धि ज्यादा है, मेरे पास धन ज्यादा है, मेरे पास वैभव ज्यादा है, मेरे पास प्रतिष्ठा है। और जब उनको चोट पहुंचती है तो उसका अहंकार तिल मिला जाता है और फिर वो उन सारे दुखों को पकड़ लेता है। व्यक्ति की तारीफ कर दो तो वो सोचता है कि मुझसे बेहतरीन व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि उसकी मां ने उसे बताया है कि तू राजा बेटा है, तू संसार का सबसे अच्छा पुत्र है, पिता ने उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति की है। तो वो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है और इसी आश्रित होने के कारण कोई भी चीज उसके जीवन में घटती है तो वो भयभीत हो जाता है। तो कभी मंदिर भागता है, कभी मस्जिद भागता है, कभी गुरुद्वारा भागता है, कभी किसी साधु संत के पास भागता है, कभी किसी ज्योतिषी के पास भागता है, और कभी पूजा पाठ करने लगता है। लेकिन उसका मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इतने जन्म जन्मांतर से उसके अंदर एक भय बैठा हुआ है कि किसी ने यदि उसके अहंकार को चोट पहुंचाए तो बहुत सारे दुखों को पकड़ लेता है। तो हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हम अपने मन को सशक्त नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि सब चीजें आ कैसे रही है। इसलिए जब हम साधना करते हैं तो भगवान से याचना ही करते रहते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये पद दे दो, हमें ये नौकरी दे दो, हमारा व्यवसाय चला दो। आदमी के अंदर, स्वयं के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है, उसका मन इतना सशक्त नहीं होता है कि वो इन सारी चीजों से मुक्त हो सके और वो इन भवबंधनों से मुक्त हो सके। मोक्ष कहीं दूसरी जगह नहीं है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ यह है कि आप यदि संसार की इन चीजों को छोड़ दें तो मोक्ष हमेशा ही आपका इंतजार कर रहा है। तो व्यक्ति वैसे ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमने इन सारे भवबंधन को
पकड़े हुए हैं। किसी ने गाली दे दी, हमने उस चीज को पकड़ लिया। किसी ने 20 साल पहले गाली दी है, आज हम उस चीज को लेकर के दुखी हैं। तो दुख कहीं बाहर से नहीं आता है, दुख व्यक्ति स्वयं पकड़ लेता है। लेकिन इसका ज्ञान कौन दिलाए? इसका ज्ञान दिलाता है गायत्री मंत्र, धियो योना प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है और जो बताता है कि आपने दुनिया की ये सारी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। दुख कहीं नहीं है, संसार में सिर्फ सुख ही सुख है, लेकिन आपने उन दुखों को पकड़ रखा है। तो उन दुखों से मुक्त कराने का काम ही गायत्री मंत्र करता है, उस अहंकार से मुक्त कराने का काम गायत्री मंत्र करता है। तो जिस व्यक्ति अच्छे मन से, पूर्ण श्रद्धा से उस मां के निकट बैठ जाता है और अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उन सारे भव बंधन से उसको मुक्त करा देती है, जिनको नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति पकड़े हुए है। क्योंकि संसार में पकड़ने योग्य कोई चीज नहीं है, हमने सारी चीजों को पकड़ रखा है। व्यक्ति ने ही लोभ को पकड़ रखा है, मोह को पकड़ रखा है, माया को पकड़ रखा है, दुखों को पकड़ रखा है। उसको ऐसा लगता है कि सारे दुख हमारे ही ऊपर है। लेकिन जिस दिन वो अपने दृष्टिकोण को बदल देता है, उस दिन पाता है कि ये तो सारी भ्रांतियां थी, ये सब हमने जबरदस्ती पकड़ के रखा था। संसार नहीं कहता कि 20 साल पहले यदि किसी ने आपको गाली दी थी तो आप उसमें दुखी हो, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। किसी ने आपकी तारीफ की तो संसार नहीं कहता कि आप उससे मंत्र मुग्ध हो जाए। किसी ने आपकी बुराई कर दी तो संसार नहीं कहता कि आप उसमें दुखी हो जाए। ये सब चीजें मनुष्य अपने आप पकड़ते हुए चला जाता है और फिर जीवन में कष्ट पाते हुए चला जाता है और फिर दुनिया में कई लोगों के पास भटकता है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है। तो इन सब चीजों से मुक्त सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र ही व्यक्ति को कराता है। तो इस नवरात्रि में आप मां के समीप बैठ हैं और इस भवबंधन से आप मुक्त होने का प्रयास करें। इस सूत्र को जिस दिन आप अपने जीवन में अपना लेंगे कि संसार ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने संसार की इन चीजों को पकड़ के रखा हुआ है, तो जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे उस दिन आप सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे और फिर आप निश्चित रूप से मानव से महामानव बन जाएंगे और महामानव से देव मानव बन जाएंगे। जिन लोगों को ये बोध हुआ है वो बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जीजस हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, परम पूज्य गुरुदेव हो गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि संसार में जो चीजें हैं वो हमने स्वयं पकड़ के रखी थी, उन चीजों ने हमें पकड़ के नहीं रखा है। तो जिस दिन हम इस सूत्र को समझ जाएंगे तो उस दिन आप समझें कि आपको गायत्री फलित हो गई। जैसे ही आपको गायत्री मंत्र फलित होगा, इन सब सारी चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे और इन चीजों से मुक्त होते ही साथ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता, उसका आवागमन से उसको मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष कहीं और नहीं है, मोक्ष सिर्फ वह है कि आप इन चीजों को से मुक्त हो जाए, जिन चीजों को आपने पकड़ के रखा है। आपकी तोता की भांति आपकी स्थिति हो गई है, आप समझ रहे हैं कि रस्सी ने आपको पकड़ रखा है, जबकि रस्सी ने आपको कहीं से पकड़ के नहीं रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ के रखा है, संसार को आपने पकड़ के रखा है, इसलिए आप दुखी हैं। तो जिस दिन आप इस सूत्र को साधना काल में अपना लेंगे, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि, आपका दिमाग उस दिशा में बढ़ जाएगा जहां फिर व्यक्ति का आवागमन बंद हो जाता है और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अहंकार से मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप साधना काल में अपनाएं तो निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी का अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।